153 गोपालपुर विधानसभा में सुरेश भगत के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे सूरज भान सिंह। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। 153 गोपालपुर विधानसभा में लोजपा के प्रत्याशी सुरेश भगत के लिए साथ ही विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कर भारी मतों से विजयी बनाने हेतु लोजपा के नेता सूरज भान सिंह गोपालपुर के सैदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपका ये विजय नारा पिना दिया है। पकड़ ले। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूरज भान सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूरज भान सिंह आदरणीय सभाध्यक्ष जी, मंच पे विराजमान यहाँ से उम्मीदवार आदरणीय सुरेश भगत जी। सर, प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, इसलिए क्या आपका पहले चरण के लिए चुनाव है सर, किस तरीके से लोजपा मैदान में दक्षिण बिहार उलट चुका है और भाजपा और लोजपा की सरकार बनने जा रही है? भाजपा तो कह रही हमसे मेरा कोई संबंध नहीं है, भाजपा कह रही है मेरा कोई संबंध नहीं है। कौन कहता है संबंध नहीं है? भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी। तेजस्वी का क्या कहेंगे, तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? दलितों को उठाने की लड़ाई रामविलास पासवान जी हारते रहे और चिराग पासवान जी लड़ेंगे। क्या लगता है बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी? इसमें भी आपको दो मत बुझाता है, भाजपा लोजपा खुला चुनौती है सरकार। तेजस्वी जी तो कहते हैं कि 1,00,000 युवाओं को रोजगार देंगे। तेजस्वी जी 15 साल में क्या किए जीते की लालू जी सोने देखे? भाजपा 19,00,000 नौकरी देने की बात कही, कैसे देगी भाजपा 19,00,000 सरकार? देखिए आने वाला समय बताएगा। इधर रहिए, इधर रहिए। तमाम गार्जियन नौजवान साथियों माताएं बहनों से मेरा एक ही अपील है कि बंगला छाप पर 3 नंबर पर 3 तारीख के बटन दबाकर भारी मतों से यहां से विजय बना के भेजे। आप लोग भी बहुत सोच समझ के नेक इंसान जमुनिया पंचायत में पड़ा सैदपुर जी। जमुनी आपका घर है और सैदपुर में हम एक बार घूरे हैं, घरे घर घूरे हैं, इसलिए तमाम सैदपुर के वासियों से मेरा अपील है, गार्जियन माताएं बहनों से, बंगला छाप पर सुरेश भगत जी को 3 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। आप लोग का आदेश हो कम विजय का माला पहना दे, हाथ उठा कर ये माननीय चिराग पासवान जी क्या कहते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का एक ही लड़ाई है, कोई अड़िया पगड़िया की लड़ाई नहीं है, बिहार की विकास। अभी यहाँ से उम्मीदवार आदरणीय सुरेश भगत जी कह रहे थे कि बाढ़ एक बगल गंगा एक बगल कोशी, तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया गया है उसमें आप ही लोगों की लड़ाई है। ये बाढ़ किसकी हल कैसे हो, किसान मजदूर भाइयों की हल कैसे हो, आपकी बच्चे पूना और कोटा पढ़ने के लिए नहीं जाए उसकी व्यवस्था बिहार में हो, आप इलाज के लिए दिल्ली बंबई नहीं जाइए उसकी व्यवस्था बिहार में हो ना, खेत का खरियान का लड़ाई नहीं था, ये सब था कि प्लान में हो, उद्योग लगे, हमारे मजदूर भाई को काम मिले, ये सब की लड़ाई थी। आप लोग के बीच पूना से आवाज पढ़े बिहार बच्चा हो बोला हो कहन जी नहीं इलाज कर दे
दिल्ली से आवा है ओकर व्यवस्था होवे के चाहिए ने, ये दोनों हाथ के काम मिले के चाहिए ने, किसान के मजदूर जिसे उचित रेट मिले के चाहिए ने, यह सब के लड़ाई है। युवा का नौकरी भी मिलना चाहिए, उद्योग लगता है तब न मिलता है, हाईकोर्ट बन जाता है, हाईकोर्ट खुद बन जाता है, उनका पालन नहीं होता है पूरे बिहार में, सभी को रोजगार नहीं मिलता है। देखा नीचे नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।